हे गाइस, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे सेफ टेक्नो चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे कि हॉर्न काम क्यों नहीं करता, हॉर्न की वायरिंग शॉर्ट है। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले स्विच, तो इसकी स्विच सही है। हम बजा के देखते हैं, हॉर्न अभी भी नहीं बज रहा। हम आके फ्यूज़ चेक करते हैं, तो इसकी एक फ्यूज़ हमें ख़राब हुई है, यानी शॉर्ट हुई है। तो फ्यूज़ को हम सही करते हैं, उसकी जगह फ्यूज़ लगाते हैं। उसका फ्यूज़ लगाने के बाद हम चलते हैं स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग पे हम एक बार फिर से हॉर्न को चेक करते हैं, हॉर्न वहीं का वहीं हॉर्न नहीं बज रहा। अब इसकी हम वायरिंग चेक करेंगे कि इस वायर में ग्राउंड आता है, हम चेक करते हैं क्या है। इस वायर में ग्राउंड की बजाय प्लस आ रहा है। हॉर्न की वायर में हमें ज़्यादातर ग्राउंड ही चलता है, तो इसमें ग्राउंड की जगह प्लस आ रहा है, प्लस नहीं आना चाहिए। अभी प्लस आ कहाँ से रहा, किस तरह आ रहा, ये हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसके रिले को, रिले बदल के देखते हैं कि वायरिंग ग्राउंड कहाँ से है। तो रिले अब हम बदल रहे हैं। रिले बदलने के बाद हम चेक करते हैं इसकी वायरिंग ग्राउंड हुई है कि नहीं, शॉर्ट हुई है कि नहीं। तो अभी इसकी शॉर्ट तो सही हो गया, ग्राउंड चला गया, यानी ग्राउंड है, पल्स प्लस चला गया है। तो हम चेक करते हैं हॉर्न बजा कि नहीं बजा, और ये हॉर्न बजने लगा। तो इसका मतलब ये था कि हमें पहले स्टेप पे मिल गया कि वायरिंग ग्राउंड जो थी वो रिले शॉर्ट था। रिले अंदर शॉर्ट हो जाता है तब भी वायरिंग ग्राउंड हो जाती है। तो हमें कभी भी ग्राउंड ढूंढनी है, शॉर्ट वायर ढूंढना है, तो हमें स्टेप बाय स्टेप देखना होता है। सबसे पहले हम स्विच देखेंगे, स्विच पे पावर है या शॉर्ट है। फिर उसके बाद हम रिले देखेंगे, रिले देखने के बाद हम जो वायर देखेंगे। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं और हमें वो फॉल्ट मिल जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।